हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएस फिल्मी मेट के एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इंडियन सिनेमा की पांच नहीं बल्कि सात ऐसी दिमाग घुमा देने वाली सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो कोर्ट रूम और लीगल ड्रामा पर आधारित है, जिसमें आपको खतरनाक वाला मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और थ्रिल देखने को मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि इस लिस्ट की लगभग सभी मूवीज को आप यूट्यूब पर ही देख पाएंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में आई क्राइम कोर्ट रूम ड्रामा मूवी 420 IPC, सुपर स्टार सूर्या की मूवी जय भीम और कुछ आपके डिमांड की मूवीज भी प्रोवाइड कर वाला हूं। तो बिना स्किप किए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस कॉर्नर लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 7 पर आती है साल 2013 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा मूवी अंकुर अरोड़ा मर्डर केस। मूवी की कहानी में एक हाईली रिप्यूटेड डॉक्टर अस्थाना की एक छोटी सी लापरवाही के कारण एक 8 साल के लड़के अंकुर अरोड़ा की मौत हो जाती है, जिसके बाद वह अपने और हॉस्पिटल की रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए इस मैटर को आउट नहीं होने देता है। लेकिन जब अंकुर की माँ को ये सब पता चलता है तो वह न्याय के लिए लड़ती है। तो आगे मूवी में क्या क्या होता है ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसे IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसमें आपको के मेनन, टिस्का चोपड़ा, अर्जुन माथुर जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इस मूवी को आप शेमारो मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। नंबर 6 पर आती है साल 2021 में रिलीज हुई क्राइम कोर्टरूम ड्रामा मूवी 420 IPC। मूवी की कहानी एक अकाउंटेंट केसवानी की, जिन्हें बैंक के फ्रॉड और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और केसवानी अपना केस लड़ने के लिए बीरबल नाम के एक लॉयर को हायर करता है। और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद बीरबल को रियलाइज होता है कि कुछ और भी है जो आंखों के सामने होते हुए भी दिख नहीं रहा है। तो ऐसा क्या है ये सब आपको मूवी में जबरदस्त सस्पेंस के साथ देखने को मिलेगा, जिसे IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। यह एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसमें आपको वीना पाठक, रणवीर सोरे, गुल पनक जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इस मूवी को आप G5 पर देख सकते हैं। नंबर 5 पर आती है साल 2020 में रिलीज हुई कोर्ट रूम ड्रामा मूवी कोर्ट मार्शल। मूवी की कहानी है आर्मी के एक सैनिक की, जिनके ऊपर अपने दो सीनियर ऑफिसर्स की जान लेने का आरोप है, जिसमें से एक मर चुके हैं और एक जिंदा है। फिर इस केस की सुनवाई आर्मी के जूरी मेंबर्स के सामने होती है। वहीं डिफेंस लॉयर विकास रे हमले के पीछे के मकसद की गहराई तक जाते हैं, जिसके बाद एक चौंका देने वाला रिजल्ट सामने आता है। इस मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसमें आपको राजीव खंडेलवाल, गोविंद पांडे, स्वप्निल किरण जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी, जिसे आप G5 पर देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती है साल 2021 में रिलीज हुई मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर मूवी नेल पॉलिश। मूवी की कहानी में एक न्यूली अपॉइंटेड पुलिस ऑफिसर को लखनऊ में दो बच्चों की लाश मिलती है, जिसे बेरहमी से मारकर जला दिया गया है। और थोड़ी बहुत जांच के बाद पता चलता है कि लखनऊ और उसके आसपास के एरिया से 36 बच्चों को ऐसे ही मारकर जला दिया गया है और ये सब पिछले 5 सालों से होता आ रहा है बिना किसी अरेस्ट के। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे एक ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे वह एक वेल नोन सस्पेक्ट को अरेस्ट करने पर मजबूर हो जाता है, जहां आपको खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेगा। जिसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 95% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। यह एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसमें आपको अर्जुन रामपाल, मानव कौल, समरीन कौर जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इस मूवी को भी आप G5 पर देख पाएंगे। नंबर 3 पर आती है साल 2021 में रिलीज हुई कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर मूवी मेल विलासम। मूवी की कहानी एक कोर्ट मार्शल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें रामचंद्र नाम के एक सैनिक कैप्टन वर्मा की हत्या के अपने आरोप को स्वीकार करता है। लेकिन जब कैप्टन विकास सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है तो कई बातें कोर्ट को चौंका देती है, जिनमें आपको जबरदस्त थ्रिल देखने को मिलेगा जो आपको मूवी में लास्ट तक बनाए रखती है। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला और 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसमें आपको सुरेश गोपी, अशोकन, कृष्णा कुमार जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। मूवी को आप हिंदी में B4U+ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। नंबर 2 पर आते ही साल 1986 में रिलीज हुई कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर मूवी एक रुका हुआ फैसला। मूवी की कहानी शुरू होती है एक कोर्ट रूम से, जहां एक 18 साल का लड़का कटघरे में खड़ा है जिसके ऊपर अपने ही पिता की हत्या का आरोप है। और इसका अंतिम फैसला 12 जूरी के सदस्यों पर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वे लोग इस मुकदमे पर जमकर बहस करते हैं। तो आखिर में क्या होता है ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसे IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 का शानदार रेटिंग मिला और 95% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। ये हॉलीवुड की मूवी 12 एंग्री मैन का रीमेक है, जिसमें आपको पंकज कपूर, के रैना, अनु कपूर जैसे कास्ट की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इस मूवी को आप ईगल होम एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। नंबर 1 पर आती है 2021 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी जय भीम। मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें पुलिस एक आदिवासी समूह
समुदाय के एक आदमी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह आदमी लॉकअप से गायब हो जाता है, जिसके बाद उसकी प्रेग्नेंट पत्नी उसे ढूंढने लगती है और ह्यूमन राइट्स के लॉयर के चंद्रू की मदद से इस केस को हाई कोर्ट तक ले जाती है। तो क्या उसे न्याय मिल पाता है या नहीं, ये सब आपको मूवी में जबरदस्त थ्रिल के साथ दिखाया गया है, जिसका स्क्रीन प्ले और सभी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है, जिसे IMDb पर भी 9.3 आउट ऑफ 10 का शानदार रेटिंग मिला है और 96% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसमें आपको सुपरस्टार सूर्या, के मणिकंदन, प्रकाश राज जैसे कास्ट के शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। ये मूवी हिंदी डब में अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों ने इस मूवी को मिस कर दिया है तो एक बार जरूर देखिए। इसके साथ ही साल 2018 में रिलीज हुई 6 IMDb रेटेड शाहिद कपूर और यामी गौतम स्टारर कॉमेडी ड्रामा मूवी बत्ती गुल मीटर चालू और साल 2019 में रिलीज हुई 5.6 IMDb रेटेड लीगल ड्रामा मूवी 377 अब नॉर्मल, ये दोनों मूवीज आपको G5 पर देखने को मिल जाएगा। और हाँ, ये कोर्टरूम ड्रामा मूवीज लिस्ट का पार्ट 3 है, तो अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये थी इंडियन सिनेमा की 7 कोर्टरूम ड्रामा मूवीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही नई नई मूवीज की लिस्ट और अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।